नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूँ आर एस कुमार। मानव सेवा परमो धर्म, अर्थात मानव का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस पंक्ति को धरातल पर सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं मैसोल यूथ के सदस्य। लगातार 7 दिनों से 50 गरीब मजदूर तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कर रहे हैं ये सभी लोग। अरे बताइएगा आपका। हम लोग मैसोल यूथ के जरिए हम लोग करीबन 30 लड़के हैं और ये लॉकडाउन जो 22 को हुआ है उसके बाद से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रतिदिन 50 परिवार को 7 दिन का राशन घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, जहाँ से जहाँ तक हो सके गरीबों की मदद करना है और उसके हर दुख में काम आना है। तो ये जितना दिन तक जो है लॉकडाउन रहेगा, हम लोग उतना दिन तक गरीबों का राहत उसके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। राशन में क्या क्या चीज़ है? राशन में आपको हो गया चावल है, दाल है, आलू है, प्याज है, आटा है, बिस्किट है, साबुन है, तेल है, नमक है और चावल भी है, चूड़ा है, सोया, 2-4 आइटम और है, चीनी है, दाल है। कंटिन्यू ये चीज़ हम लोग लगभग 15 दिन से कर रहे हैं। आगे भी जितना दिन तक लॉकडाउन रहेगा आप लोग गरीबों की सेवा करते रहिएगा। जी जी बिल्कुल, जितना दिन तक लॉकडाउन, मोदी जी ने अभी अनाउंसमेंट किया आज सुबह 10 बजे कि 3 मई तक ये चलेगा लॉकडाउन। तो हम लोगों ने 30 लड़के जो हम लोगों का मैसोल यूथ का मेंबर है हम लोग, और हम सभी उसमें मेंबर की तरह एज ए काम कर रहे हैं और सब हम लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने से उसको बनाया है और उसका एक ही उद्देश्य बनाए हुए हैं कि जितना ज़्यादा हो सके गरीबों का हेल्प करना है। मजलूम है, गरीब है, जिसको खाने की दिक्कत है उसको 7 दिन का राशन हम लोग घर घर जाकर मुहैया करवा रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान फैज हुआ। सेवा करने के लिए ना तो किसी उम्र की ज़रूरत पड़ती है ना ही किसी पद की। अगर आपके अंदर मानवता बची हुई है और आप असहाय लोगों के लिए सेवा भावना रखते हैं तो आप किसी भी उम्र में लोगों की सेवा कर सकते हैं। यह युवा साथी इसी बात का एक प्रमाण है। यह लड़के अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपने पैकेट खर्च के कुछ चंद पैसे बचाकर लोगों के लिए राहत का काम कर रहे हैं और लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं।